नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नेशनल दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार हैं शंभू जी। शंभू जी, आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। अरे थैंक यू आपका शंभू जी। ये जो जीत हुई है आज सेंट्रल सेक्रेटरीट पे, जो लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे जिनकी अपनी जो डिमांडें थी, जो मांगे थी, जो मूर्ति को लेके वो सब मांगे पूरी हुई है, तो किसको देते हैं आप इसका श्रेय? ये आम लोग जो 1:30 बजे दोपहरी में जो सड़कों पर हैं उनको श्रेय जाता है कि वो एकजुटता दिखा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। और आप जैसे पत्रकारों को जो इस खबर को पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए फैला रहे हैं, तो वो दोनों बहुत ज़रूरी है। और जब तक समाज सड़कों पर नहीं आएगा तो हम आप किसको दिखाएंगे? तो ये जो बहुजन एकजुटता है, बाबा साहब की जो विचारधारा है जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो ये बाबा साहब की विचारधारा की जीत है। बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, देख रहे हैं महिलाएं इतनी गर्मी में सड़कों पर आ रही हैं, तो ये इन लोगों की जीत है। सबसे ज़्यादा जो अत्याचार होते हैं वो बहुजन समाज के ऊपर होते हैं, जिसके ऊपर आप हमेशा दिखाते रहते हैं। बहुजन में भी तय कर लीजिए, ट्राइबल, दलित और मुसलमान और ओबीसी भी शामिल है, लेकिन उसमें भी कैटेगराइज करना होगा कि ये लोग एकजुट नहीं होंगे तो सब बारी बारी से मारे जाएंगे। आज जितने भी संगठन बनते हैं, संगठन बनते चले आ रहे हैं। संगठन बनना अच्छी बात है, गलत बात है? नहीं नहीं, अच्छी बात है, संगठन बनना चाहिए। लेकिन एक संगठन में से अगर 10 संगठन बनेंगे तो फिर वो मल्टीपल हो जाएगा, उसमें संगठन कहाँ रहेगा? वो ठीक है, पहले लोगों में चेतना तो आने दीजिए। जो लोग दरी पर बैठते थे, घरों से नहीं निकलते थे, वो संगठन बना के मजबूत हो कम से कम। आज काशीराम साहब ने साइकिल से पूरे देश को जोड़ दिया था, लेकिन आज लग्जरी गाड़ी होने के बावजूद भी देश नहीं जुड़ पा रहा है, तो इसको किसको बोलेंगे कि आप ये क्या है, मतलब विचारधाराओं का? देखिए, चीज़ें तो बेहतर हुई हैं, लेकिन हमें लगता है हमें और हज़ारों मान्यवर कांशीराम की ज़रूरत है। जी, हज़ारों मान्यवर कहाँ से आएंगे? आज हर एक देश के अंदर मान्यवर बनना चाहता है। बनना पड़ेगा, हमको बनना पड़ेगा, स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, MLA MP बनने से बड़ा सोचना पड़ेगा। और महान बनने का रास्ता हमेशा क्लियर रहता है, रतनलाल जो कहते हैं। तो आप तय कीजिए MLA MP बनना है या बाबा साहब की तरह अमर होना है, मान्यवर साहब की तरह अमर होना है, ये आप पर निर्भर है। सभी लोग काशीराम बनना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी सत्ता, थोड़ी सी पावर आने के बाद उनके समीकरण, उनके एनालिसिस, उनके गणित बदल जाते हैं, इसका क्या कारण? ऐसा नहीं है, बहुजनों का जो भी भला किया वो बहुजन समाज के लोगों ने किया है, तो सिर्फ आरोप लगाना सही नहीं है। संसाधन विहीन समाज है, सदियों से शोषित समाज है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन चीज़ें बदलेंगी। चलिए, हमारे चैनल से आपने बात करी, इसके लिए धन्यवाद। अरे थैंक यू आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।